हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्कृष्ट फूड्स। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं पम्पकिन यानी कि कद्दू की सब्जी, जिसे भोपला भी कहा जाता है। बहुत ही इजी और यमी सी स्टर फ्राई रेसिपी है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लिया है कोकोनट ऑयल 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून राई ले लिया है, 1/2 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ में कड़ी पत्ता, 1 प्याज बारीक कटा हुआ। अच्छी तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और तुरंत ही हम जो भोपला है यानी कि पम्पकिन है उसे ऐड कर देंगे। इस तरीके का बड़ा बड़ा टुकड़ा आपको कर लेना है इसका, ताकि जो पम्पकिन है वो कम्प्लीटली मैश नहीं हो जाए। साथ में नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। और ले लिया है 1/2 कप जितना मैंने नारियल घिसा हुआ, ये गीला नारियल है, इसे अच्छी तरीके से घिस के ले लेना है। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेंगे, जब तक कि भोपला जो है थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता है। और रेडी है आपकी सब्ज़ी। इसे दाल और राइस के साथ खाइए या फिर रोटी के साथ, बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने में, ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू ट्राई दिस अमेजिंग रेसिपी।